अयोध्या में आज एक अद्भुत घटना घटी, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त एकत्रित हुए। रामनवमी के पावन अवसर पर रामलला का सूर्य तिलक किया गया। दोपहर के 12:01 पर जो अलौकिक दृश्य सामने आया, वो हर किसी को भाव विभोर कर गया। राम मंदिर में सूर्य की पहली किरणें जैसे ही रामलला के मस्तक पर पड़ी, वहां उपस्थित भक्तों की आंखों में आस्था की नई रोशनी जगमगा उठी। इस दिव्य क्षण को देखने के लिए भारी संख्या में भक्तों का समागम हुआ था। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव मंदिर में जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आज सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में सवेरे 3 से जब आरती हुई है, लमसम 15,00,000 से ऊपर राम भक्तों ने दर्शन और पूजन किया है और अपने जीवन को धन्य किया है। आज हमारे जीवन सफल हुए, मन प्रफुल्लित हुआ और जीवन सार्थक हुए। जिस प्रकार से इतने वर्षों के बाद, 5 के बाद पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की उस भव्य दिव्य नव मंदिर में आज हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं, पूरे देश के लिए मंगल कामना और पूरे विश्व में सामंजस्य, समानता, एकता बनी रहे, जो सनातन सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। वसुदेव कुटुंबकम के साथ, राम राज के परिकल्पना के साथ हम लोग आज जन्म उत्सव भगवान का भव्य मंदिर में मना रहे हैं। जय जय श्री राम। मंदिर के प्रांगण में मंगल गीत, भजन, कीर्तन और जय घोष की गूंज सुनाई दे रही थी। प्रत्येक भक्त की भावना इस अद्भुत घटना के साक्षी बनने की थी और उनका उत्साह देखते ही बनता था। सूर्य अभिषेक का यह क्षण केवल 5 तक चला, लेकिन इसने इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी। अयोध्या में इस साल बने नवीन राम मंदिर में पहली रामनवमी के अवसर पर इस घटना का होना इसे और भी विशेष बना देता है। आज का दिन अयोध्या में न केवल एक पारंपरिक उत्सव के रूप में मनाया गया, बल्कि यह दिव्य घटना उन सभी के लिए एक यादगार पल बन गई जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। लोकल 18 अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।